तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। कुछ लोगों ने एक अफवाह फैलाई कि किसी समुदाय विशेष की एक लड़की के साथ में दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया। जब ये अफवाह फैली सोशल मीडिया पर, कुछ लोगों ने इसको फैलाया और उसके क्रम में कुछ लोग जनपद रुद्रप्रयाग के अगस्त में कस्बे में इकट्ठा हुए, उन लोगों के द्वारा वहाँ पर जुलूस निकाला गया और जुलूस के बीच से ही कुछ लोगों ने वहाँ पर तोड़फोड़ की, कुछ दुकानों का सामान उन्हें बाहर निकाल के आगजनी भी की। तो इस क्रम में जो पुलिस ने बाद में कार्रवाई की है उसमें 3 मुकदमे पंजीकृत हुए हैं। एक मुकदमा जो पीड़िता है उनकी तरफ से किया गया है, जिसमें जिन अभियुक्तों ने उनकी फ़ोटो वायरल की है उसका है, इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई है। दूसरा मुकदमा पुलिस के द्वारा किया गया है सोशल मीडिया पर या जितने भी बाकी मीडियम हैं उनके माध्यम से जो कम्युनल हारमोनी है उसको डिस्टर्ब करने का, इसमें 2 लोगों की हमने अब तक गिरफ्तारी की है। इसमें काफ़ी लोग नामजद हैं और बाकी जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए कंटिन्यू दबिश दी जा रही है। तीसरा जो मुकदमा है जो कस्बे में रुद्रप्रयाग अगस्त मुनि में हुआ, उसमें कुछ लोगों ने दुकानों का सामान बाहर निकाला, तोड़फोड़ की वहाँ पर बाजार में, कुछ सामान को आग लगाया, इसमें भी काफ़ी लोग नामजद किए गए हैं और अब तक इसमें पुलिस ने एक रात में कार्रवाई करते हुए 5 लोग जो हैं दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी हमारी जो सोशल मीडिया सेल है और जो पुलिस की गोपनीय शाखा हैं वो इसमें लगी है कि जितने भी लोग इस तरीके के दंगे में या शांति व्यवस्था भंग करने में शामिल थे उनको चिन्हित किया जा रहा है। जैसे जैसे जो उपद्रवी लोग चिन्हित होते जा रहे हैं वैसे वैसे पुलिस उनके खिलाफ़ गिरफ्तारी कर रही है। हमें उम्मीद है कि आज शाम तक इसमें 5 लोग ही और हम गिरफ्तारी करेंगे। और जिस तरीके के पहाड़ के शांति के माहौल में कुछ लोगों ने साजिशन एक माहौल ख़राब करने की कोशिश की है, उनके लिए पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में कभी भी कोई ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए एक मैसेज आए, एक अच्छी कार्रवाई हो। और साथ में जो लोग बहकावे में आके या किसी तरीके के और प्रलोभन में आके सोशल मीडिया पर इस तरीके के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपुष्ट खबरें और सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने वाली जो खबरें हैं शेयर कर रहे हैं, उन लोगों को भी हमारी तरफ से चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर उनके द्वारा ऐसा किया जाता है या कहीं भी जांच में पाया जाता है कि इन लोगों के द्वारा इस प्रकार की अपुष्ट खबरें सोशल मीडिया पर या किसी भी माध्यम से शेयर किए, तो उनके खिलाफ भी पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, जनपद में फिलहाल पूरी तरीके शांति व्यवस्था की स्थिति है। जो जनपद रुद्रप्रयाग तहसील है उसमें धारा 144 लगाई हुई है। यहाँ पर हमने फ्लैग मार्च भी करवाया है, कंटिन्यू फ्लैग मार्च हो रहा है। इसके अलावा फोर्स का हमने डिप्लॉयमेंट कर रखा है। जितने पक्ष इसमें थे सारे पक्ष हमारी बात हो गई है। जो पीड़िता है उसके और उसके घरवाले पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। इन लोगों को सभी को अभी कोर्ट में पेश किया जा रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो बाकी इसमें उपद्रवी लोग हैं उनको भी हम गिरफ्तार कर लेंगे। मेरी जनता से और सभी रुद्रप्रयाग वासियों से अपील है कि जो हमारा शांति का एक जनपद है, एक शांति की पहचान के लिए रुद्रप्रयाग जनपद जाना जाता है, उसको हम बनाए रखें। ऐसे असामाजिक तत्वों और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के बहकावे में आकर ऐसी घटनाओं को हम ना तो उनमें शामिल हों ना उनको हम प्रोत्साहित करें। और जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना की है, जो इसमें शामिल हैं, उन लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं और पूरे जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस एवं पूरा उत्तराखंड पुलिस इन ऐसे लोगों को एक कड़ी चुनौती के रूप में हम लोगों ने इनको लिया है और हम पूरी अपनी ताकत लगाए हुए हैं। हम अगले आने वाले समय में जो ऐसे लोग हैं इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। फोर्स की डिमांड की गई है कि यात्री फोर्स यहाँ पर बुलाई गई है? देखिए, थोड़ा सा शांति व्यवस्था के मद्देनज़र रखते हुए जनपद में कुछ फोर्स आया है। जो पड़ोसी जनपद हैं चमोली और टिहरी, वहाँ से नागरिक पुलिस के कुछ कर्मचारी आए हैं। इसके अलावा देहरादून से पीएसी की 2 प्लाटून भेजी गई है। तो फिलहाल यहाँ पर फोर्स पर्याप्त मात्रा में है और काफ़ी हद तक शांति व्यवस्था बनी हुई है। सर, यात्रा को लेकर जैसे 25 मार्च अप्रैल से यात्रा शुरू हो रही है, उसको देखते हुए जो ये बवाल हुआ है, कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के लिए भी बहुत कड़ी चुनौती होगी, तो आगे देखते हुए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जो कल वाला जो इंसिडेंट हुआ है उसमें हम पूरी तरीके से आगे ऐसी घटनाएँ नहीं हो इसके लिए तैयार हैं। दूसरा, जिन लोगों ने कल ये घटनाएं की है उनके खिलाफ भी पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी, ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए
यहाँ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो अपने निजी व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए इस तरीके की घटना नहीं कर पाए, इसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। और जो ऐसे उपद्रव में जो लोग शामिल हैं, जो हमेशा इन सब गतिविधियों में लगे रहते हैं, उनको हम चिन्हित कर रहे हैं। इनके खिलाफ पुलिस अपनी तरफ से निरोधात्मक कार्रवाई कर रही है। और जो जनपद रुद्रप्रयाग की आने वाली केदारनाथ धाम यात्रा है, मुझे पूरा विश्वास है कि पहले भी जनपद रुद्रप्रयाग की जनता, यहाँ के पुलिस प्रशासन ने आपदा के बाद में जिस तरीके से यात्रा के लिए भरसक प्रयास किए गए हैं, वही प्रयास इस बार भी किए जाएंगे। और जैसी यात्रा पिछली बार सफल यात्रा रही है, उससे भी सफल यात्रा इस बार जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा और यहाँ की स्थानीय जनता द्वारा करवाई जाएगी। यात्रा पर इस घटना का किसी भी तरीके का कोई प्रभाव हम नहीं पड़ने देंगे। सर, जो पुलिस की हेरा हवाली सामने आई है, उसको लेकर क्या जांच की जा रही है? कुछ लोगों पे कार्रवाई क्यों की जा रही है? देखिए, जो घटना हुई है इसमें अभी ये चीज़ भी, तथ्य भी देखा जा रहा है कि ऐसी जो घटना हुई है इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार थे। हालांकि कुछ लोगों द्वारा ऑब्जर्व किया गया है, लेकिन पुलिस द्वारा इस घटना की रोकथाम के लिए क्या उनके द्वारा पहले प्रिवेंटिव किए गए हैं, क्या पुलिस के लेवल पर चूक हुई है, इसकी भी जांच की जा रही है। जो भी पुलिस कर्मी होंगे जिनके द्वारा लापरवाही की गई है या जिन्होंने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया, हम उनके संबंध में उच्च अधिकारियों को भी रिपोर्ट प्रेषित करेंगे और हमें उम्मीद है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्या